एप्लीकेशन लगाने के बाद हमको एक साल तक किसी तरीके से बोल बोल कहते रहे कि हाँ भाई हो रहा है हो रहा है हो रहा है। जेएन भी आया हमारी, अपने नापचोक भी करी, सारा सब कुछ कि जितनी भी दुकानदार हैं, जितने भी मकान हैं, उन सबको जिनके लीज खत्म हो चुकी है या लीज जिनके किराए नहीं जमा हुए हैं, उन जमा करके उनको लीज को जमा करके उसको रेगुलराइजेशन कर दें। स्टेशन रोड अजमेर लीज होल्डर एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के दौरान लघु अवधि लीज किराया पर व्यवसाय संपत्तियों के फ्री होल्ड पट्टे जारी करने और बिल जमा कराने के आदेश पारित करने की मांग की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के संरक्षक कंवल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि एक वर्ष से अधिक समय निकल जाने के बाद भी एडीए द्वारा पट्टे जारी नहीं किए गए। मौके पर उपस्थित एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि एडीए उच्च अधिकारियों को पाबंद कर लीज राशि जमा कर फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के आदेश पारित किए जाएं। आज हम लोग यहां पर स्टेशन रोड लीज होल्डर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहां पर आए हैं और कलेक्टर साहब से मिला है। सरकार ने एक आदेश जारी किया था 2021 के अंदर कि जितनी भी दुकानदार हैं, जितने भी मकान हैं, उन सबको जिनके लीज ख़त्म हो चुकी है या लीज जिनके किराए नहीं जमा हुए हैं, उन जमा करके उनको लीज को जमा करके उसको रेगुलराइजेशन कर दें। सरकार ने ये आदेश निकाला 21 सितंबर 2021 को। उसके पेज नंबर 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर के अंदर जो 14 नंबर जो है उसमें निकाय तथा लघु अवधि लीज किराए पर दी गई व्यवसायिक संपत्तियों को फ्री होल्ड पट्टे देने जारी करने के संदर्भ में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार हमारे जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया एडीए के अंदर। पिछले एक साल से लगातार एडीए के अधिकारी चक्कर लगवा रहे हैं और किसी तरीके से किसी न किसी तरीके का व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जब सरकार की मंशा इनको करने की है तो क्यों एडीए के अधिकारी इसको नहीं करना चाहते? हम सभी दुकानदार यदि इन पैसों को जमा कराएंगे तो करोड़ों रुपए की आमदनी एडीए की होगी, परंतु एडीए इन पैसों को जमा न करने का क्या उनके मन में मंशा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हम लोग अधिकारियों से जब हम लोग वापस मिले तो उन्होंने किसी तरीके से टल्लम टुल्ली करते हुए बोला कि हम देखते हैं वहाँ की रोड थोड़ी चौड़ी नहीं है, ये नहीं है, स्टेशन रोड थोड़ा छोटा है। परंतु बेसिकली स्टेशन रोड की जो रोड है वो 80 फुट से 100 फुट के बीच में है और बहुत अच्छी चौड़ी रोड है और सरकार के जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान में भी 100 फुट है। परंतु सरकार ने एक आदेश और जारी किया 14 जुलाई को। उस जाली के अंदर कहा गया कि शहरों के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य सड़कों के मार्गाधिकार को पुनः निर्धारित कर पट्टे देने के संदर्भ में उन्होंने एक नया आदेश जारी किया। सरकार की मंशा थी कि इन सब चीज़ों को किसी तरीके से किया जाए, परंतु उसके लिए एम्पायर कमेटी को डिसाइड किया कि एम्पायर कमेटी इन सब चीज़ों को डिसाइड करके और उसको जगह की स्थिति के अनुसार कर दे। परंतु वहाँ की एडी के जो अधिकारी हैं, एडी की जो सोच है वो किसी तरीके से इस पैसे को लेने की नहीं है। जिस तरीके से लोगों को चक्कर लगा रहे हैं, बोलने के लिए तो फ्री होल्ड पट्टे दिए जा रहे हैं, परंतु फ्री होल्ड पट्टे के नाम के अंदर किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो इसके लिए आज हमने लोगों ने शुक्रवार को जब हम लोग मिले तो हमको थोड़ी वहाँ से निराशाजनक स्थिति आई, तो आज हम लोग कलेक्टर साहब से आके मिले। कलेक्टर साहब से मिलने के बाद हमने उनको सारा विषय अवगत कराया, उन्होंने बड़े ही प्रेम से इस हमारे विषय को सुना और सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि किसी तरीके से हम जो शुक्रवार को जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर इस बात को रखेंगे और उसमें जो भी यदि किसी तरीके की, क्योंकि सरकार की मंशा है और सरकार इन सब चीज़ों को करना चाहती है और सरकार के इन कागजों में सब कुछ चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए कलेक्टर साहब ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रेस्पॉन्स दिया है। हमने उनसे पूछा कि साहब इसके संदर्भ में आपसे किस तरीके होना है कि आपको शुक्रवार को इन सब चीज़ों के अंदर राहत मिलेगी और तुरंत आपको वहाँ पर अधिकारी बुलाकर और आपकी कार्रवाई करेंगे, ऐसी हम लोगों को कलेक्टर साहब ने दिया। और निश्चित रूप से ये एक दुकानदार नहीं है, 40 दुकानदार हैं और 40 दुकानदारों के परिवार यदि किसी तरीके से रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि इस संस्था के अंदर मैं संरक्षक के रूप से भूमिका अदा कर रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष कमल जी हैं, तो कोषाध्यक्ष वगैरह हैं, बाकी सभी पुराने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन इस चीज़ के लिए कि इन दुकानदारों के बीवी बच्चे परिवार, उनके पास नौकरी करने वाले लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, इसके बारे में एक सोचने वाला विषय है। यदि इस तरीके से यदि सरकार देखिए और 31 मार्च तक का अंतिम समय यदि इस तरीके राहत नहीं मिली तो दुकानदार कहाँ जाएगा? सरकार दे रही है, सरकार परमिशन दे रही है,
और निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से राहत देने का प्रयास किया है। उसके लिए निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ऐसा कार्रवाई करेंगे और यदि सब चीज़ों के लिए यदि हम लोगों को इसमें यदि कोई आसानी नहीं मिली तो निश्चित रूप से हम कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। गांधी भवन के सामने दुकानों की लीज हो चुकी है, अंधेरी पुलिया के नीचे लीज हो चुकी है, बीच के 40 दुकानदारों को इन्होंने लटका रखा है। जबकि राज्य सरकार का आदेश अधिकारी नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? अधिकारी किसके लिए बैठे हैं? इसी काम के लिए तो बैठे हैं कि राज्य सरकार का आर्डर आप ओबे करो, उसको मानो। अब लेकिन उनको क्या, उनको सोच है उनकी, क्या क्यों नहीं करना चाहते? उन्होंने एक बार तो ये भी जवाब दे दिया कि हम किसी भी कीमत में नहीं करेंगे। अरे भाई ये कोई बात है? कारण तो अब उनसे पूछेंगे कलेक्टर साहब। हम कैसे, हमारी हिम्मत कैसे है कि हम पूछें उनसे? 40 दुकानदार स्टेशन रोड गए हैं, बीच का हिस्सा जो है अंधेरी पुलिया तक। अब ये तो कलेक्टर साहब को हमने आज मिले हैं, वही उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते, आप क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट का आदेश नहीं मान रहे, इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, अनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 01454060760 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023 और उम्मीद कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा आपका विधायक, कौन कर रहा है तैयारी, कौन सी पार्टी से रखता है संबंध, बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता के फेसबुक के यूट्यूब चैनल पर। कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार, उसकी पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा 3 बजे वे 5 बजे ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं 9 0 1 0 4 4 8 अजमेर जयपुर संभाग।